हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिपीट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था अभी, जो एक एग्जाम होने वाला है इस समय, पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है आर्मी पब्लिक स्कूल का, और झारखंड पीजीटी टीजीटी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं जो कि एसएससी का, रेलवे का, इनमें जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इवन यदि आप बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, उसमें भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो बात करूंगा वो स्पेशली डेडिकेटेड है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, और जितने भी टीजीटी पीजीटी या बीएड की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो भी, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं पीजीटी के एग्जाम में, और इसके आने की जो पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा है। ये फर्स्ट पेपर के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होगा, सेकंड पेपर के लिए भी डेडिकेटेड होगा, क्योंकि यदि आप ज्योग्राफी से अप्लाई किए हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी विज्ञान दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है। वो मनाया 28th of February को एवरी ईयर। वेयर इज द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पे है। सिडनी क्रिकेट जो ग्राउंड है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि सिडनी प्लेस है वहीं पर है ये। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वे इज द निज़ाम सागर डैम, निज़ाम सागर डैम कहाँ पे है। निज़ाम जो सागर डैम है, निज़ाम सागर डैम ये है आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने देखा था ये क्वेश्चन पूछा गया था, निज़ाम सागर डैम कहाँ पे है, वो है आंध्र प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ऑन विच रिवर सिंगूर डैम इज बिल्ट, यानी जो सिंगूर डैम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। वो है मंजीरा रिवर पे, इंपॉर्टेंट ये भी है। फेयर इज द कांडला डैम, कांडला डैम जैसा कि आपने कई बार एग्जाम में इसका नाम सुना होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो डैम है, बांध है, वो है गुजरात में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फेयर इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या वो कहाँ पर है हेडक्वार्टर। मेनली हेडक्वार्टर इसमें मिसिंग है, बट आप ये जानिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है। वेयर इज़ द अंशी नेशनल पार्क, जो अंशी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेयर इज़ द लकवा थर्मल पावर प्लांट, जो लकवा थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पे है, ये है आसाम में। राजामुंद्री इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, यानी राजामुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो ये है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, वेयर इज़ द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो है आंध्र प्रदेश में, जो कि साउथ इंडिया में है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट डांस बिहू इज, यानी जो बिहू डांस है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बिहू डांस हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इसलिए कवर किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया इसको। ये है आसाम का डांस बिहू। दीवान कप इज गिवन इन विच स्पोर्ट्स, यानी जो दीवान कप है वो कौन से स्पोर्ट में, किस खेल में दिया जाता है, वो बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है दीवान स्पोर्ट, दीवान कप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड इन विच प्रोडक्शंस, यानी जैसे ब्लू रेवोल्यूशन होता है या वाइट रेवोल्यूशन होता है, तो वाइट रेवोल्यूशन जो है वो दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है, और जो ये राउंड रेवोल्यूशन है ये संबंधित है पोटैटो से, जैसे हरित क्रांति होती है तो इसी तरह से राउंड गोल रेवोल्यूशन क्रांति होती है जो वो पोटैटो से रिलेटेड, यानी पोटैटो यानी आलू को उत्पादन में बढ़ाने के लिए ही ये रेवोल्यूशन मनाया जाता है। इन विच फील्ड ग्रैमी इज गिवेन, जो ग्रैमी फील्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, इन विच फील्ड ग्रैमी अवार्ड, इसको मिसिंग है अवार्ड, इन विच फील्ड ग्रैमी अवार्ड इज गिवेन, वो दिया जाता है म्यूजिक में। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबल प्राइज इज गिवेन इन हाउ मेनी फील्ड्स, देखिए जो नोबल प्राइज है वो हर साल दिया जाता है, पर ईयर दिया जाता है, लेकिन किस किस फील्ड में दिया जाता है उसका मैंने इसमें जिक्र किया इस वीडियो में, तो पीस है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन फील्डों में दिया जाता है नोबल प्राइज।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेवले अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। जो बेवले अवार्ड है वो कौन से फील्ड, किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है एग्रीकल्चर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु हैज वन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2017। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसमें इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके पीजीटी टीजीटी के या स्टेट लेवल जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें आपसे डेफिनेटली जो नोबल प्राइज़ के क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे कि 2017 में जो नोबल प्राइज़ दिए गए हैं किस सब्जेक्ट में या किस पार्टिकुलर क्षेत्र में दिए गए हैं किसको। तो जो लिटरेचर के क्षेत्र में जो दिया गया है उनका नाम है कजुओ इशिगुरो। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए इनका नाम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है उसी तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, इसको क्या कहते हैं, वो है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइना सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह हर कंट्री में एक अपना पार्टिकुलर बैंक होता है, इसी तरह चाइना में जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की वो है द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी वो कौन सा ऐसा शहर है या कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हुए, यानी उस प्लेस का जो नाम रख दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर प्लेस रख दिया जाए, यानी तो ऐसा प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हुए हैं वहाँ के लोग। जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद में कई सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी और जो भी कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो सब भी सब इलाहाबाद से रिलेट करते हैं, तो इसलिए इस प्लेस का नाम रख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स प्लेस, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हुए हैं। विच प्लेस इज नोन एज मिनी मुंबई, यानी इंडिया में वो कौन सा ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा शहर है जो मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है, वो है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ इटली, इटली की करेंसी क्या है, इटली की जो करेंसी है वो यूरो है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हाउ आर लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये किस तरह से रिलेट करते हैं आपस में, ये परपेंडिकुलर हैं टू इच अदर, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं इच अदर एक दूसरे से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वे इज द एटलास माउंटेन लोकेटेड, जो एटलास माउंटेन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो कहाँ पर है, वो है अफ्रीका में। इन विच कंट्रीज मिस्ट्रल विंड रन्स, ये जो मिस्ट्रल विंड जो है मिस्ट्रल विंड वो कौन से, सॉरी, ये जो विंड है ये कौन से शहर में बहती है, ये फ्रांस शहर में बहती है। इन विच कंट्रीज मिस्ट्रल विंड रन्स है फ्रांस शहर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच रिवर बाइट्स द मेकर लाइन ट्वाइस, या कौन सी ऐसी नदी है जो दो बार मकर लाइन को क्या करती है, क्रॉस करती है, वो है लिम्पोपो। हु मेड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के जो मोशन के लॉ है उसको किसने बनाया था, वो बनाए थे केपलर ने। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी कौन सी है, वो है अरावली। वेयर एसिड रेन फॉल्स मोर, ये कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड रेन होता है, वो है नॉर्वे। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी के जो फादर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है एरिस्टोस्थनीज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच एनिमल इज डन डॉन, सॉरी, एनिमल इज डन रेस्पिरेशन डन बाय स्किन, यानी वो कौन सा ऐसा जंतु है जो अपने स्किन से सांस लेता है, वो है फ्रॉक्स यानी मेढक। वे इज द सरगोसा सी लोकेटेड, सरगोसो सी लोकेटेड कहाँ पे है, वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी कौन सी है, वो है टोक्यो सिटी। विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, वो है गोल्ड। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो व्यास है वो कितना है, वो है 40,075 किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली है इतना, बट बुक्स में जो कई जगह दिए गए हैं वो 4,075 ही दिए गए मोस्टली। वेज द सिस्मोग्राफ इज यूज,
यानी जो सिस्मोग्राफ होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, वो किया जाता है टू मेजर द अर्थक्वेक स्पीड, जो अर्थक्वेक होते जो भूकंप आता है उसकी स्पीड मापने के लिए सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री मेक्स वेरी मच पेपर इन द वर्ल्ड, वह कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेपर बनाया जाता है, कागज़ का उत्पादन किया जाता है, वह कनाडा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स। हु हैज़ गिवन द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा था, उनका नाम है आचार्य दिवाकर दत्त। फेज द लेह लद्दाख, यानी लेह कहाँ पे है, वो है द लेफ्ट साइड ऑफ सिंधु रिवर, सिंधु रिवर के लेफ्ट साइड ही बसा हुआ है लेह लद्दाख। फेज द फुल्लर लेक, फुल्लर लेक कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में, कावेरी रिवर जो इंटर करते इन हाउ मेनी स्टेट्स, इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कावेरी नदी गुजरती है, वो है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, यानी धरती पर कितने परसेंट जो है जंगल है, वो है 30%। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में आइलैंड कितने सारे हैं, वो है 204, यानी 204 हैं आइलैंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये है, विच डिजर्ट इज फेमस फॉर इट्स डिपॉजिट्स ऑफ द नाइट्रेट्स, वो कौन सा ऐसी जगह है जो कौन सा डिजर्टेड प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रेट डिपॉजिट्स हैं, वो है अटकैमा, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये। विच इज़ द कलर ऑफ द आउटर एज ऑफ रेनबो, विच इज़ द कलर, यानी वो आउटर रिंग ऑफ रेनबो जो इंद्रधनुष होता है उसके आउटर जो होता है बाहर का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, वो है रेड कलर का होता है। विच सोल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट द कॉर्प, जो फसल उत्पादन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वो कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कोई भी कॉर्प को उत्पादन करने में, कोई भी फसल को उत्पादन करने, वो है सैंडी, यानी जो बलुई मिट्टी होती है वहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है फसल को उत्पादन करने, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़रूरत होती है, पानी हमेशा सूख जाता है तो मुश्किल होता है थोड़ी सी। 17th पैरेलल इज सेपरेट्स विच कंट्री, जो 17th पैरेलल लाइन है वो कौन से देश को डिवाइड करती है, वो है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को डिवाइड करती है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, इकोसिस्टम ऑफ अर्थ का सबसे बड़ा क्या है, वो है हाइड्रोस्फीयर। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टील फर्म इन इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी स्टील फर्म यानी स्टील कंपनी कौन सी है, वो है टिस्को जमशेदपुर, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत पुरानी कंपनी है ये जो कि स्टील का प्रोडक्शन करती है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे ऑन सेम टाइम आप उस वीडियो को देख सकें। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए, तभी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।